तो आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो का राइड रिव्यू के बारे में, सो कीप वॉचिंग। सर गाइस, मेरा नाम अभिनव गर्ग, कैमरे के पीछे नहीं आगे, जो आगे से हाँ दोनों तरफ जो है वो आशुतोष श्रीवास्तव है, और हम दोनों ही तरफ आशुतोष श्रीवास्तव नहीं है, एक ही तरफ, एक ही तरफ है। आज हम फ्रंट कैमरा से इसको शूट कर रहे हैं। तो आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो एंजन न्यूली लॉन्च है, उसकी न्यूली लॉन्च के अंदर लॉन्च तो बहुत पहले हो चुकी है, अभी रोड पे किसी के पास नहीं आई है, सिर्फ टेस्ट राइड पे जो ऐसी है। तो फिलहाल ये कि हम जो है कुछ दिन पहले उसका वो करने गए थे, राइड लेने गए थे, उसकी ड्राइव लेने गए थे, तो उसमें हमने बीच में कुछ स्निपेट्स वगैरह निकाली थी, तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, ड्राइव रिव्यू अपनी तरफ से देने वाले, और गाड़ी पूरी टेस्ट आउट कर ली है। हाँ, ये है कि गाड़ी पूरी टेस्ट आउट कर चुकी है। मजा कौन सा वेरिएंट था? टॉप डीजल Z8, हमने जो टेस्ट आउट करा है, जो Z8L मैनुअल डीजल 4x4, ये हमने बिल्कुल टॉप एंड चलाया था, ऑटोमेटिक से एक नीचे वाला वेरिएंट हमने बस चलाया था, तो ये वाला है, ये हमने पूरा चलाया, उसके बारे में पूरी आज हम लोग बात करने वाले कि ड्राइव वगैरह कैसी लगी हमें। और मैं शायद इधर बार बार देख के लग रहा हूँ, तो इधर बार बार बिकॉज फोन कैमरा इधर थोड़ा समझिएगा, ठीक है। तो हाथ को रेस्ट दे देते हैं, ओके। इसी वीडियो में जो हम वो बात करने वाले हैं, अगर फ्यूचर में हमारे को मौका मिला तो हम डेफिनेटली जो प्रॉपर ड्राइव रिव्यू जैसे हम आपके लिए लेके आते हैं गाड़ियों का, वैसे हम लेके आएंगे जरूर, लेकिन अभी जो है एक बेसिक आप ये मान लो कि फर्स्ट इंप्रेशन टाइप जो कैसे लगे, फर्स्ट रिव्यू ये भी बोलूंगा एक राइड ड्राइव रिव्यू ही है, बिकॉज हमने चलाया था। अब बिना टाइम वेस्ट करे एक चीज से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ड्राइव रिव्यू बोलेंगे, राइड बाइक्स का होता है ड्राइव इसका, तो ड्राइव रिव्यू में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है पावर कैसी लगी गाड़ी में। सो सेम डे सफारी चलाई, सेम डे स्कॉर्पियो चलाई, सो एक्सेप्शनली मजा आता है। कितना भी क्या पावर फिगर्स है, मैं पावर फिगर्स बता देता हूँ, तो स्कॉर्पियो एन में जो है आपको 2.2 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलता है, जो कि 175 हॉर्स पावर और 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है मैनुअल वेरिएंट में, और 450 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस करता है ऑटोमेटिक वेरिएंट में। हमने मैनुअल चलाया था तो हमने 420 मीटर न्यूटन मीटर जो है वो एक्सपीरियंस किया था। सो ड्राइव एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, ठीक है। ऑफ कोर्स गाड़ी का एक पूरा रिव्यू तो आना ही है, बट अभी के लिए जो आप अभी हम लास्ट में जो पूरे वीडियो शूट करी थी वो तो दिखाएंगे एक्सपीरियंस गाड़ी का, फिनोमिनल एक्सपीरियंस, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। एंड एक चीज़ जो कि सच में आपको अलग लगेगी, जब आपने थार का राइड रिव्यू डाला था, हमने कोई थार का डाला नहीं था, नॉर्मल ड्राइव, बट जिनने थार को ड्राइव किया है उनको पता है वो कैसी फील होती है, एक हाइटेड पोजिशन पर आप चला रहे होते हो, एग्जैक्टली सेम फीलिंग है। ओके, थार में थोड़ा स्ट्रेस होता है, दिमाग को ऐसा करो वैसा करो, इस गाड़ी में कोई स्ट्रेस नहीं होता। क्वालिटी क्या है मटेरियल्स की, इस के बारे में बात करेंगे, बट मैं ये सोचता हूँ कि फुल रिव्यू में प्लान करेंगे, नॉर्मली ड्राइव पे ही रखते हैं, ड्राइव में क्या होने वाला है। और एक चीज उसमें बोलूंगा कि थार और इसमें जो डिफरेंस है ना, देखो जो स्कॉर्पियो गाड़ी बेस्ड है वो बिल्कुल बेस्ड है थार के प्लेटफॉर्म पे, थार का जो लैडर फ्रेम शैसी है उसके ऊपर ये गाड़ी बेस्ड है, क्योंकि बहुत ज्यादा बंद सी जगह, थोड़ी कॉम्पैक्ट सी जगह, विड्थ वगैरह कम है उसकी, वो प्रॉब्लम स्कॉर्पियो में बिल्कुल भी नहीं है, काफी ज्यादा एरी, काफी ज्यादा स्पेशियस जो है वो इसका इंटीरियर लगता है। इनफैक्ट चीज क्या है, आपको एक बिग गाड़ी का फील सिर्फ लेंथ ब्रेथ में नहीं, हाइट में भी फील आता ही है, गाड़ी चलाने का मजा है। एंड मैं इधर ज्यादा बात नहीं करूंगा, हमने कुछ चीजें शॉर्ट करी हैं, आप वो देख लो, फिर वापस मिलते हैं। क्या दिल को बोल दीजिए मैं ले ले। भाई वेटिंग ना हो तुम क्यों ना ले, ये बता मुझे, सारा पंगा ही बहुत ज्यादा चिप हो गया, डीजल चला रहा है, इसलिए तूने पेट्रोल चलाई थी, पावर कम है पेट्रोल से, पावर 185 bhp है, लेकिन 175 है, अच्छा 175 bhp पावर, अच्छा टॉर्क 450 है शायद, ये 420 है, हाँ ऑटोमेटिक में 450 है और उसमें 420 है मैनुअल में, पर तेरे को लोग जैसे बोल रहे थे कि थोड़ा हैवी सा है, वैसा हैवी लग रहा था, मतलब एज कम्पेयर टू एक्सयूवी,
है ना, ये सभी से? ये सब लोग बोल रहे थे कि एक्सयूवी से हैवी है, वेंटो नहीं है भाई, वेंटो में सर उल्टा है, इसमें सभी उल्टा है। पैसेंजर पे फील हो रहा है कि कैसे कूद रही है ये, एक्सीडेंटल टचेस इसमें ज्यादा है, स्टीयरिंग तो सेम ही है। सस्पेंशन स्मूथनेस पता भी नहीं चल रहा, गाड़ी 80 पे है इस समय, ठीक है 1% पता ही लग रहा, ब्रेक्स क्या भाई, ये ना थोड़ी नीचे सेट है, अच्छा। और एक चीज में पता है क्या है, आप वो नहीं कर सकते क्या, कॉल आ रहा है, तू पहले आगे देखो भाई, इसमें आप आगे वाली गाड़ी में ना आपको अंदाजा लेने की जरूरत ही नहीं है कि आगे वाली गाड़ी कितनी वो हो रखी है, आपकी गाड़ी भिड़ने ही नहीं वाली है। देखो ना ये हमारी आई लेवल है, नहीं तेरा आई लेवल ही है, मेरा तो ये है, मैं तो बहुत ना बहुत ऊंचा हूँ, कस्टमाइज कैसे होता है मतलब ये इधर से सीधी ले ले उसके 700 के नहीं निकल जाएगी निकल जाएगी सीधे ही ले ले बस सामने 700 के सामने चढ़ जाएगी भाई जहाँ चढ़ा देखो यहाँ से कर सकते हो आप, जब वहाँ पे देखेगा अच्छा ऑन कर देगा, जैसे आपने अभी क्या लगा रखा है फोर व्हीलर का लगा है अभी, हाँ नहीं अभी किसी पे नहीं है, एक सेकंड सेट हो चुका है अभी आपका नौ तो इसमें मतलब क्या क्या चीज है वो होती है, जैसे हम ये अलग अलग मोड्स में डाल देंगे तो इस जैसे अगर मान लो आप कहीं किसी रेगिस्तान में हो तो इस लगा के रखना, वहाँ पे आप वो जैसे सैंड वाला लगा सकते हो तो गाड़ी बोरी करेगी, और अगर स्नो वाला या बिस्किट वाली गाड़ी हो वो वाला लगा, इसकी क्वालिटी भी तो सस्पेंशन सेटअप चेंज होता है, सस्पेंशन सेटअप चेंज होता है अच्छा, और पहियों की पावर भी अच्छा अच्छा, फ्रेम रेट काफी कम है बट क्वालिटी सही है, फिर भी 3-4 क्या चढ़ा सामने भी है सर, ये लग्जरी बैग वाला है नॉर्मल वाला है जिसमें हम बैठे, लग्जरी बैग, लग्जरी बैग, चाबी आ गई, चाबी है ठीक है।
सो बैक, आप लोगों ने गाड़ी की वीडियो देखी, आप बताना आपको कैसा व्यू मिल रहा था, क्या कैसा लगा, वो पार्ट आपको कैसा लगा। अभी गाड़ी को एक तरीके से रेट कर लेते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले ड्राइव क्वालिटी। ड्राइव क्वालिटी 8/10, क्वाइट इम्प्रेसिव 9/10, बिकॉज ऐसी ड्राइव क्वालिटी इस सेगमेंट में है ही नहीं। क्यों? बिल्कुल है ही नहीं, तो 9/10 भी दे सकते थे। वैसे मैं 9/10 जाना चाहूँगा, सोल रीज़न है जो 8 पॉइंट बढ़ाने का, वो है 4/3। क्या बोलते हैं, डैश को देख के डैश रंग बदलता है, क्रिकेट को देख के क्रिकेट रंग बदलता है, जो भी है। नहीं, मैं कुछ ऐसी था, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, जो भी है, आपको जो पता है, जो आपको जो पता है वो लिख देना, क्रिकेट है, खरबूजा है, जो भी है। सो इसके बाद आता है क्वालिटी ऑफ मटीरियल्स। 8/10 बिकॉज प्रीमियम ज़्यादा अच्छा। प्रीमियम की भी बात कर लेते हैं, प्रीमियम 7/10 बिकॉज यू नो व्हाट इज प्रीमियम, ठीक है। 7AA प्रीमियम में अभी भी लीड कर रही है 100%, ठीक है। इंटीरियर लुक्स, सो प्रीमियम ही आ जाता है वो। एक्सटीरियर लुक्स, एक्सटीरियर लुक्स 8/10 क्लासिक, स्टिल लुक बेटर, स्टिल लुक्स बेटर। ओके, सो नॉट, कोई मुझे गाली ना लिखे बस, बट न्यू मुझे अच्छा लगता है। क्लासिक मेरे को अभी भी, क्लासिक का जो वो मुझे मॉडर्न चीज़ें अच्छी लगती हैं, बट हाँ क्लासिक का जो स्टांस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो और क्या बचा? और बचा स्टेयरिंग। स्टेयरिंग की एक बात करेंगे, स्टेयरिंग जो है वो 7AA से हेवियर है। सेम है, सेम है, पूरा सिस्टम सेम है, बस उसका ट्यून जो है, उसका ट्रीट जो है हल्का सा हेवी कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत थी। बिकॉज यार, ऑफ कोर्स आपको हैवी फील लगता था, चाहिए कि आप बड़ी एसी चला रहे हो। जब मैं हैवी बोल रहा हूँ तो हैवी का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हैवी, अलग लेवल का हैवी नहीं, वो 7AA से हल्का हैवी है, बट हाँ मेजॉरिटी ऑफ दी गाड़ियों से बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है चलाने में। एंड और क्या होता है, और तो बाकी जितनी भी बात है वो सब रिव्यूज़ में तो करेंगे। साथ ही साथ अगर अभी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन आपके नियरेस्ट शोरूम्स में राइड के लिए अवेलेबल है, ड्राइव के लिए अवेलेबल है, जाके चेकआउट करो। मिल नहीं रही है, बिल्कुल नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा वेटिंग है। कितनी वेटिंग है अभी? तो वेटिंग आई भी नहीं है, 30th अच्छा, अगस्त को जो है वो वेटिंग पीरियड आएगा। हाँ, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो शोरूम वाले बोल रहे थे वो कह रहे हैं कि 1 साल मिनिमम वेटिंग है। मैटर ऑफ फैक्ट, इन्होंने एक स्टॉक निकाला था जो कि 35 मिनट में स्टॉक आउट हो गया था। बिल्कुल इनका 25,000 का लॉट था जो कि बिल्कुल इनके पास रेडी खड़ा हुआ था, ठीक है, वो तो सेल आउट हो गया इन लेस देन इवन 30 सेकेंड्स, ठीक है। जो बाकी का प्रॉपर जो गाड़ियाँ बुक हुई है वो 1 लाख बुकिंग आई है गाड़ी की, जो कि 35 मिनट में आई थी। 1 लाख बुकिंग 35 मिनट में आई है, और 25,000 का जो लॉट है वो पहले 30 सेकंड में आउट हो गया। सो अब ये समझ लो गाड़ी की कितनी वेटिंग होगी, गाड़ी कितनी अच्छी है प्लस गाड़ी की वेटिंग क्या होगी, आप इमेजिन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको देहरादून में रहते हो और आपको महिंद्रा को एक्सपीरियंस करना है तो आप महिंद्रा हरिद्वार बाईपास पे सिचुएटेड है, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। शोरूम के बारे में सारी डिटेल्स आपको मिली जाएगी। एंड ओके, ठीक है, शोरूम के बारे में आपको सारी डिटेल्स मिली ही जाएंगी। एंड आउटरो पे चलते हैं। कोडिया की भी बुकिंग दोबारा ओपन हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं, बुक कर सकते हैं गाड़ी। तो यही था इस वाली वीडियो में, और नहीं वीडियो पसंद लाइक करने पर सब्सक्राइब, वीडियो वाले कमेंट वीडियो वगैरह सजेशन में क्रिटिसिज्म में वीडियो से लेटेस्ट सब्सक्राइब बटन क्लिक करके लाल से ग्रे कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके दबा दीजिए ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें आपको जल्द से नोटिफिकेशन आ जाए। इस वाली वीडियो की सिर्फ इतना ही, नई नई वीडियोस हम जल्दी जल्दी लेके आते रहेंगे। आप देखिए ना, आजकल हम कंसिस्टेंट थोड़े से हो गए हैं। अच्छा, तो आपकी कृपा रहेगी तो और ऐसी ऐसी वीडियो कंसिस्टेंसी के बाद बताऊं, 7 बज गए हैं गाइस, हम निकले हैं अभी ऑफिस से और अब भी शूट कर रहे हैं, अभी इसका एक और वीडियो शूट करने कर रहे हैं हम लोग, सो वो भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो ये वाली वीडियो हो चुकी है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। कैमरामैन गोविंद के साथ अभिनव गर्ग साइन।